इमरान खान या यूं कहें कि आतंकिस्तान के वजीर आजम, जिनकी बौखलाहट आजकल कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में है। अब इसी बौखलाहट में इमरान खान ने भारत को गिदर भभकी दी है। इमरान खान का कहना है कि उन्होंने भारत से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बातचीत की अपील नहीं करेंगे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी अपील को नज़रअंदाज किया। इतना ही नहीं, इमरान खान ने बातों ही बातों में परमाणु हमले की धमकी दे डाली। अब भला इसे बौखलाहट खिसियाहट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? घर में खाने को पैसे नहीं और इमरान खान परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। नई बात नहीं है, पाकिस्तानी पीएम इमरान खान लगातार पागलों की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इमरान ने कहा, अब उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, मैंने बातचीत करने की सारी कोशिशें की। दुर्भाग्य है कि अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है मेरी शांति और बातचीत की सारी कोशिशों को उन्होंने तुष्टीकरण तौर पर लिया। इमरान खान ने कहा है कि अब भारतीय अधिकारियों से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है और अब तक के सारे प्रयास बेकार साबित हुए, इसलिए अब इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। आपको बताते चलें कि भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में पाकिस्तान से तब तक बातचीत न करने की बात कही थी जब तक कि वह आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाता। अब इसे इमरान खान नज़रअंदाज करें या नसीहत, यह तो उनकी सोच है। पाकिस्तान में फैला आतंक दूसरे देशों से ज़्यादा कहीं उनके लिए ही खतरनाक है, लेकिन अब कौन बताए इमरान खान को, जो आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से कतराते हैं, वह करेंगे भी क्या? अगर वह आतंक के खिलाफ कोई कदम उठाते भी हैं तो पाकिस्तान की सेना उनके खिलाफ हो जाएगी, जिसके समर्थन के बलबूते उनकी सरकार चल रही है। इमरान खान की सरकार को वैसे भी सेना की कठपुतली के तौर पर ही देखा जाता है और पाकिस्तान की अय्याश फौज कठपुतली प्रधानमंत्री के द्वारा विदेशों से कर्जा मंगाकर अय्याशी करती है और आतंकवाद का धंधा करती है।